एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि स्त्री जो जातक है और उसका गुरु अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति जिसको बोलते हैं गुरु ग्रह बोलते हैं वो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आपका वैवाहिक जीवन जो है स्त्री जातक का वो अच्छा जाता है। तो सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन के लिए हमें लग्न भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी जैसा और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति इसका कारक है। इसकी अच्छी स्थिति कुंडली में होगी आने वो आपके जो भी लग्न की कुंडली हो अगर वो सब स्व राशि के हो, उच्च के हो, मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दष्ट हो और इस तरह से अगर वो आपकी स्थिति बनती है तो उस भाव और ग्रह की स्थिति अच्छी बोलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्त्री जो जातक है अगर उसका बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, बृहस्पति अच्छा है मतलब वो आप देखिए वैवाहिक जीवन चलाने के लिए स्त्री की जातक के लिए बृहस्पति का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगर बृहस्पति उसकी कुंडली में केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में हो और वो त्रिकोण में हो, 5वें 9वें भाव में हो और 11वें भाव में हो और वो शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दष्ट हो और सप्तम भाव जैसे यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है वो भी अच्छा केंद्र में त्रिकोण में जैसे यहाँ 11वें भाव में हो और वो भी अच्छी स्थिति में होगा। अगर मान लो आपकी कुंडली में जो भी सप्तम भाव का स्वामी है वो भी स्व राशि का, उच्च का, मित्र राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में है तो वो अच्छी स्थिति कहलाएगी। और सप्तम भाव पे भी अगर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, राहु केतु मतलब सप्तम भाव का स्वामी और जो कारक है बृहस्पति अगर स्त्री के जातक में अगर शुभ प्रभाव में हो, आने वो स्व राशि के हो, उच्च राशि को, मित्र राशि में हो और बृहस्पति का के ऊपर शुक्र की ओर दृष्टि हो जाए या शुक्र से युति करे जैसे यहाँ युति कर रहा है तो शुक्र का प्रभाव अगर बृहस्पति पे आपके कुंडली में आ रहा है जो भी जाति का है तो आप ये मान के चलिए कि क्योंकि सब आपका लग्न बलवान है, आपका व्यक्तित्व बलवान हो गया, उसके बाद में हमने देखा कि सप्तम भाव है उस पे पाप प्रभाव नहीं है, कोई ग्रहों का प्रभाव नहीं है, यहाँ पे राहु केतु आदि का, शनि का प्रभाव नहीं है, फिर सप्तम भाव का स्वामी मंगल है यहाँ पे देख रहे हैं वो भी ठीक ठाक दिख रहा है, उसके बाद में जो कारक बृहस्पति वो भी केंद्र में बैठा है और शुक्र से हम बोला था कि युति हो या दृष्टि होती है, यहाँ शुक्र से दृष्टि है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो इस जो भी जाति का है इस तरह की स्त्री जाति का है क्योंकि उसका बृहस्पति अच्छा है, शुक्र से युति कर रहा है, सप्तम भाव अच्छा है, सप्तम भाव का स्वामी अच्छा है और लग्न का स्वामी भी शुक्र अपने घर में है तो ये सब अच्छी परिस्थितियां दिखा रही है। और इस तरह से आपका अगर बन रहा है तो जो पति आपको मिलेगा वो सुंदर भी मिलेगा तथा अच्छे संस्कारों वाला पति मिलेगा। इसके विपरीत अगर यही सप्तम भाव का स्वामी और बृहस्पति और शुक्र पाप प्रभाव में हो, राहु केतु शनि आदि ग्रहों के प्रभाव में हो, 6, 8, 12 भाव में बैठे हो या बृहस्पति आपका 6, 8, 12 में बैठा हो, अस्त हो, वक्री हो और नीच का हो और उस पे पाप ग्रह राहु केतु शनि से वो युति कर रहा हो इन भावों में, या कहीं पे भी अगर वो बृहस्पति आपका पापी ग्रहों के प्रभाव में हो या बृहस्पति जैसे यहाँ पाप कर्तरी में आए, मान लो यहाँ पे बृहस्पति जहाँ में बैठा है उसके आजू बाजू में जो भी भाव है उन पे पाप ग्रह हो, राहु केतु शनि हो तो पाप कर्तरी में आ जाए बृहस्पति या लग्न आ जाए सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ जाए तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति अच्छा नहीं है, अष्टम भाव पे भी सप्तम भाव पे भी आपके पापी ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम भाव का स्वामी भी अने सप्तम भाव पे पाप प्रभाव हो, सप्तम भाव का स्वामी पे पाप प्रभाव हो, सप्तम भाव का कारक बृहस्पति अच्छा नहीं हो उस पे पाप ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसे तीनों अगर ऐसी स्थिति में हो और वो जो भी ग्रह हैं सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति वो अगर 6, 8, 12 में वक्री नीच के हैं ऐसी स्थिति है, शुक्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपका व्यवहार
जीवन अच्छा नहीं रहेगा और आपको पति से भी अनबन बंद होती रहेगी, इस तरह का प्रभाव हो सकता है। तो इस कितना हमने देखा कि बृहस्पति का पहली बात तो अगर सत्यम भाव स्वामी थोड़ा भी प्रभाव में हो, मान लो पापा, परंतु बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी हो, केंद्र में त्रिकोण में हो और शुक्र से वो दृष्ट हो या युति करे, तो भी आपका विवाह जीवन सफल हो सकता है। और अगर तीनों अच्छे हों, लग्न अच्छा है, सप्तम भाव अच्छा है, इनके स्वामी अच्छे हैं, शुक्र बृहस्पति अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, तो आपको जो भी पति मिलेगा वो अच्छे संस्कार वाला सुंदर मिलेगा। और वैवाहिक जीवन का जो कारक बृहस्पति अच्छे होने से आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। इसकी विपरीत परिस्थिति हमने बताई कि अगर बृहस्पति शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी, ये 6-8-12 में चले जाते हैं इनके साथ में, या तो कहीं पे भी पाप ग्रह इनके साथ में राहु केतु शनि बैठ जाते हैं, या पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पाप कर्तरी में लग्न आता है, सप्तम भाव आ जाता है, तो इस तरह की जो भी स्थिति बन रही है तो आपका वैवाहिक जीवन को वो खराब कर देगा। सिर्फ बृहस्पति ही अगर अगर आपका 6-8-12 में चला जाता है, पाप प्रभाव में चला जाता है, उनके साथ राहु केतु शनि बैठ जाते हैं और बृहस्पति के साथ में पाप कर्तरी बनता हो कहीं पे भी, या यहाँ जैसे यहाँ पे पापी ग्रह आ जाए इसके आजू बाजू, यहाँ पापी ग्रह आ जाए बृहस्पति भी मान लो यहाँ बैठे, तो आपका बृहस्पति के कारण ही अगर आप इस ये अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है बृहस्पति आपकी कुंडली में, तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब रहेगा और लड़ाई झगड़ा रहेंगे, कोर्ट केस तक भी जा सकते हैं, ये सब स्थितियां बन सकती है। तो क्यों हम बोल रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है आपकी जो भी जाति का है उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छी स्थिति भी हमने बताई आपको किस तरह से हो सकती है, खराब स्थिति भी बताई हमने वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमने स्थितियां अच्छी स्थितियां बताई कि बृहस्पति शुक्र की युति कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लग्नेश अपने घर में वो अच्छी बात है, अगर अच्छा आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि सप्तम भाव का स्वामी मंगल भी अपने मित्र घर में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, वो भी अच्छी स्थिति है, तो इस तरह से विवाहिक जीवन को ये अच्छा बना रहा है। तो चंद्रमा भी अच्छा उच्च का है, मन का स्वामी, और चंद्रमा भी यानी चंद्रमा का भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है, चंद्रमा अगर आपका खराब स्थिति में है, तो भी आपकी वो आपका मानसिक प्रॉब्लम हो सकता है, मन स्थिति खराब कर सकता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है बृहस्पति का अच्छा होना। बाकी ग्रहों को आप मजबूत कर सकते हैं, परंतु बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो आपका जो ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में, तो उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, लग्न को मुख्य ग्रह है उसको मजबूत करना चाहिए, अपना इष्ट देव जो भी पंचम भाव से बन रहा है आपकी कुंडली में उसके आराधना करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, यहाँ पर गणेश जी की आराधना उपासना करने से क्योंकि इष्ट देव है वो करना चाहिए। साथ साथ में गुरु ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हमने बताया, तो गुरु ग्रह के लिए गुरु के मंत्रों के जहाँ मौनम वगदे वासुदेवा का पाठ करना चाहिए, आप पीपल के झाड़ को ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र पढ़ते हुए 7 बार प्रतिमा करके जल उनको जल चढ़ाना चाहिए। बृहस्पति जो कारक है बुजुर्गों का, बड़ों का, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। इस तरह से आप शिव जी की भी आराधना करना चाहिए, जिससे कि आपका मन अच्छा रहेगा, चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। शिव जी की आराधना कीजिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, तो शिव जी को वो कीजिए। और बृहस्पति के लिए जिस तरह से बताया उस तरह से आप उसको बृहस्पति के मंत्र है ओम बृहस्पति नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए, जिससे कि बृहस्पति मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा। तो गुरु को मजबूत कीजिए, आप हो सके तो एक पीला रुमाल अगर अच्छी स्थिति में है तो अपने जेब में रखिए, पीले कपड़े, पीले वस्त्र, चुन्नी वगैरह यूज करना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है। और ये बताया हमने कि बृहस्पति क्यों महत्वपूर्ण है स्त्री जातक की कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति विवाह चलाने वाला ग्रह है, तो वैवाहिक जीवन का सुख वही देता है, साथ में शुक्र का प्रभाव भी आ जाता है सप्तम भाव पे या सप्तम भाव के स्वामी पे, या
बृहस्पति पे है तो वो भी एक अच्छी स्थिति है। बृहस्पति अगर सप्तम भाव में है तो भाव जैसा बताया गया कि भाव का नाश करता है, तो बृहस्पति का सप्तम भाव में होना भी वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं करता, और वैवाहिक जीवन का विवाह में बाधा भी डालता है, डिले भी करता है। तो वो अगर ऐसी स्थिति है तो वो भी अच्छी नहीं है, बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से अगर अकेला बृहस्पति है तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से अगर स्त्री जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा चलना चाहिए उसके लिए बृहस्पति की स्थिति अच्छी होना चाहिए, और इस तरह उनके उपाय बताए वैवाहिक जीवन ठीक चलाने के लिए, वो उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि आपके जो भी प्रभाव है उनमें कमी आ सके और वैवाहिक जीवन में आपका प्रभाव अच्छा आ सके। तो आज हमने देखा स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति का योगदान वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।